Is the only source of heat and light on Earth's surface? Earth's surface may heat and light ki one and only source kya hai? Tell me. From where do we get heat and light? Yeah, sun is the only source. From where do we get heat and light? Okay. So, heat and light. Understand this? Like suppose there's a place, okay, and वहाँ पर uh, generally bahut zyada garmi padti hai okay? Then we can say the sun rays on that particular place falls directly directly on that surface. us earth surface pe जो sun की rays हैं वो क्या directly पड़ती हैं, so that ये जितनी भी earth surface है, they gets heated up. ये क्या हो जाती है गर्म हो जाती है ना वट डेम्परेचर मीन देखिए कोई भी चीज कितनी ठंडी है कोई भी चीज कितनी गर्म है दैट इज कॉल्ड एज ओके एयर टेम्परेचर की जब मैं बात करती हूँ सो एयर टेम्परेचर इज ग्रेटली डिटरमाइंड विद द इनकमिंग सोलर रेडिएशन अब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होती है जो सनलाइट अर्थ सरफेस तक पहुंचती है ओके द सनलाइट लाइट विच रीचेज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज द सोलर रेडिएशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन वी से दैट दिस इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन ओके अंडरस्टूड सो सो सन जो है वो अपने हीट एंड लाइट को क्या करती है एमिट करती है और वो जो हीट एंड लाइट है जब अर्थ सरफेस को रीच करते हैं दैट इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन अब कोई भी जगह किसी भी जगह की टेम्परेचर हाई तभी होगी जब वहां पर इनकमिंग सोलर रेडिएशन और हीट एंड सनलाइट दैट इज कमिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम जहां पर सबसे ज्यादा सन की रेज अर्थ सरफेस पर पड़ रही हैं वो जगह वो अर्थ सरफेस क्या होगी ज्यादा गर्म होगी और अगर वो गर्म होंगी तो आसपास की जो एटमोसफेयर या आसपास की जो एयर प्रेजेंट है वो भी क्या होंगी गर्म होंगी इससे एयर टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ओके वो उस जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह की क्लाइमेट होगी जैसे मैंने बताया था लाइक इफ वी विल मूव फ्रॉम इक्वेटर ओके अगर हम अपवर्ड्स मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेटर इफ वी मूव अपवर्ड्स द टेम्परेचर विल फॉल टेम्परेचर क्या होती है फॉल होती चली जाती है टेम्परेचर लो होती चली जाती है सिमिलरली इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन एरिया अगर हम किसी एक प्लेन एरिया में खड़े और वहां से हम क्या माउंटेन हाइकिंग करते हैं या हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं सो द मोमेंट वी आर मूविंग अपवर्ड्स ओके जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं ग्रेजुअली वेन वी आर मूविंग इन अपर्स डायरेक्शन टेम्परेचर क्या होती चली जाती है लो होती चली जाती है क्यों बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्योंकि लैटिट्यूड क्या होते हैं जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं वहां पर सन की रेज जो है वो क्या स्लैंटिंग पड़ने लगती है ओके अंडरस्टूड सो दैट इज व्हाट द एयर टेम्परेचर इज सो वेरिएशन इन टेम्परेचर अब देखिए टेम्परेचर की वेरिएशन या अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर होती है इसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि हमारी अर्थ जो है वो क्या है एंड हाफ डिग्री पर इंक्लाइंड है मतलब इट इज नॉट स्टैंडिंग ओके ये बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है एकदम uh, सीधी नहीं है ये क्या थोड़ी सी स्लैंडिंग झुकी हुई है अपने एक्सेस पर सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री के एक्सेस पर ये क्या है झुकी हुई है जिस वजह से जो सन की रेज है वो क्या डायरेक्टली डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं इक्वेटर पे और स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं पोलर रीजन पे अब इस वजह से टेम्परेचर क्या करती हैं यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में जो भी एरियाज होते हैं जो भी एरियाज लाई like करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होती है बट वेयर एज द प्लेसेज विच आर इन दायर लैटिट्यूड जो हायर लैटीट्यूड में प्लेसेज होते हैं जहां पर सनलाइट जो है वो स्लैंड पड़ रही है क्योंकि अल्टीमेटली अर्थ की सर्फेस क्या करती है जो भी सोलर रेडिएशन आ रही है जो भी सनलाइट या जो भी हीट आ रही है उसे ऑब्जर्व करते हैं और जब वो ऑब्जर्व करते हैं देन दे गेट मिक्स विद द एयर और वो एयर को क्या करती है हॉट और कोल्ड बनाती है दे मेक एयर हॉट और कोल्ड दैट इज द रीजन कि हम क्या देखते हैं समर सीजन में ठीक है गर्मियों के मौसम में हवाएं जो हैं वो क्या गर्म चलती है लू चलती है वेयर एज इन द विंटर वी सी दैट द एयर इज वेरी द विंड ब्लोज वेरी कोल्ड ओके द विंड व्हिच ब्लोज इज वेरी कोल्ड जो हवाएं बहती हैं वो क्या होती है बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है दैट इज द रीजन क्यों क्योंकि उस वक्त जो एर, जो जो एयर सनलाइट है है या सन की रेज वो क्या डायरेक्टली फॉल नहीं करती है उस सरफेस पे ठीक है जहां पर वो एरिया लाइक करती है अंडरस्टूड लाइक like, अभी अगर नॉर्दर्न हेमेस्फेयर वी ऑल आर लिविंग इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर अभी हम विंटर्स uh, रीच uh, कर रहे हैं या विंटर सीजन्स अभी आने ही वाले हैं बट साउदर्न हेमिसफेयर में ये क्या होंगे अभी समर सीजन आने वाले होंगे ओके सो दैट इज द डिफरेंस क्योंकि हमारी अर्थ क्या है इंक्लाइंड है इसीलिए अर्थ के हाफ पार्ट में डे एंड अर्थ के हाफ पार्ट में नाइट होता है और उसी तरह से सीजनल चेंजेस में भी अर्थ की जो नॉर्दर्न uh, हेमिस्फीयर है अगर वहां पर विंटर हो रही है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में वहां पर समर होगी

Uh, हम लोग कई बार टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं ओके okay? जहां पर मैंने बताया था डिग्री सेल्सियस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय एंडर्स स्केल एंडर्स स्केल ने इन्हें क्या किया था एंडर्स uh, स्केल ने इन्हें uh, Anders, uh, ने इन्हें क्या किया था इन्वेंट किया था ओके okay? जिस वजह स्केल का नाम क्या पड़ा uh, and, इन्हीं के नाम पर या yeah. सो so, हम किसी भी टेम्परेचर जब भी हम मेजर करते हैं वेन एवर वी मेजर टेम्परेचर वी मेजर इट इन डिग्री सेल्सियस सो आप भी जानते हो कि आ, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है डिग्री सेल्सियस में इट इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ओके उसी तरह से आयरन किस टेम्परेचर पे मेल्ट करती है फिफ्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सो सिमिलरली फॉर मेजरिंग टेम्परेचर हाउ मच इट इज कोल्ड और हाउ मच इट इज हॉट वी मेजर इट विद द डिग्री सेल्सियस हम नंबर्स लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस लिखकर उसे डिनोट करते हैं ओके सो दैट इज द थिंग नाउ जब भी हम किसी एक दिन के टेम्परेचर अगर हमें मेजर करनी होती है देन देर आर टू टू टेम्पर वन इज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड वन इज मिनिमम टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स वॉट सबसे ज्यादा आज का जो टेम्परेचर था क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर क्या एक दिन में वैरी कर सकते हैं लाइक like, uh, uh, अभी मान लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ इट इज 23 डिग्री सेल्सियस अभी का टेम्परेचर मैं आपको बता रही हूँ इन हजारीबाग इट इज 23 डिग्री सेल्सियस ये हो गई चलिए अब डे में कभी ऐसा हो सकता है कोई एक टाइम आ सकता है जब टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हो सकती है ओके okay? और नाइट में टेम्परेचर क्या होती है फॉल हो जाती है द टेम्परेचर गेट लोअर ओके वो क्या हो जाती है लो हो जाती है क्योंकि आपको पता है क्योंकि सनलाइट रीच uh, नहीं कर रही होती है अर्थ सर्फेस को ठीक है सो दैट्स वाई द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग द नाइट आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओके जनरल सी बात है कि अगर दिन हो रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगी हाई होगी और रात हो रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगी लो होगी ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द सन एंड द सनलाइट ओके द हीट विच द अर्थ ऑब्जर्व सो इसीलिए जो उस दिन की मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है सपोज मैं आज आज के डे की लेती हूँ मैं आज के डे की बात करती हूँ आज पूरे दिन में टेम्परेचर सबसे ज्यादा 26 डिग्री सेल्सियस रहा ओके okay. एंड रात में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया टेन so डिग्रीचर क्या होगी विल जस्ट सब्टेचर हम इस मिनिमम टेम्परेचरचर को जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या एक एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगी ओके व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ टुडे वेजरेचर ऑफ टूडे मैक्सिमम टेम्परेचर इज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस

ऑन द अर्थ सर्फेस जो सनलाइट हमारे अर्थ सर्फेस पे आ रही है ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम जो है मतलब उसे खींचने का उसे ऑब्जर्व करने का जो काम है वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है इफ इन दिस एटमोस्फेयर आप इमेजिन कीजिए अगर इस एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल खत्म हो जाती है सो वॉट विल है ओके okay, वो गर्म नहीं होगी और अगर गर्म नहीं होगी तो क्या होंगे धीरे धीरे हमारी जो अर्थ सरफेस है वो क्या हो जाएगी आइस और में कन्वर्ट हो जाएंगे so, इसीलिए कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अवेलेबल होने की वजह से वो क्या होते हैं सालों भर बहुत ठंडे रहते हैं क्यों क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं दे ऑब्जर्व द हीट एंड लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन ओके सरफेस में वो क्या करते हैं जितनी भी हीट और सनलाइट आ रही है उसे ऑब्जर्व करने का काम करते हैं ओके okay? अब बताइए इससे क्या होता है सपोज हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अर्थ के एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ओके इट इज जीरो पॉइंट जीरो अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या होगी इंक्रीज होगी देन व्हाट विल हैपन इट विल ऑब्जर्व मोर हीट रिलेट okay? कर रही हूँ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे अर्थ एटमोस्टर में बढ़ जाता है तो जो भी सनलाइट या जो भी सन से हीट आ रही है वो उसे ज्यादा ऑब्जर्व करेंगी ओके okay? अब ज्यादा ऑब्जर्व करेंगी तो हमारी एटमोस्फियर क्या होगी इट विल गेट वार्म डे बाई डे ये दिन पर दिन क्या होगी गर्म होती चली जाएगी ग्लोबल वार्मिंग होगा फिर ओके okay? तो मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग कब होते हैं वेन देर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं एक्सेस हो जाते हैं मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं सो so, ये क्या होते हैं गर्म होते हैं क्यों गर्म होते हैं बिकॉज दे ऑब्जर्व हीट एंड लाइट ये क्या करते हैं सन से आने वाली जो किरणें हैं या फिर उससे जो आने वाली गर्मी है उसे क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं और इस वजह से अर्थ का एटमोस्फेयर क्या होता है उसे उसे जाएगा। उसे जाएगा। 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 वार्म होता चला जाता है और इससे क्या होंगे इन फ्यूचर इट कैन हार्म कैन वेरी डिवास्टेटिंग मैनर ये हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर एटमॉस्फेयर वार्म होगी देन डेफिनेटली हमारी जो जितनी भी पोलर रीजन्स में ग्लेशियर्स हैं, आइस हैं वो क्या होंगी मेल्ट होंगी अंडरस्टूड जितनी भी आइस है और जितनी भी ग्लेशियर्स है वो क्या होंगी मेल्ट होंगे और अल्टीमेटली सी लेवल राइज करेगा और जगह जगह पर क्या आएंगे फ्लड्स आएंगे अंडरस्टूड सो वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी यस वी एग्री कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होते हैं क्यों क्योंकि ये है तभी हमारे अर्थ ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है अदरवाइज हमारी जो अर्थ है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी अर्थ सरफेस बिल्कुल एक एक आइस आइस पोलर रीजन की तरह हर एक जगह वो क्या हो जाएगी? से हो जाएगी जाएगी से कवर्ड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो वो हीट ऑब्जर्व नहीं करेंगे और अगर अर्थ हीट अप नहीं होगी गर्म नहीं होगी तो धीरे धीरे ये क्या होंगे एक लाइक सन इज अ बॉल ऑफ फायर एक टाइम ऐसा आएगा वेन विल से दैट अर्थ इज अ बॉल ऑफ आइस अर्थ क्या है एक आइस का बॉल है क्यों क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और जैसे जैसे uh, क्लाइमेट कोल्ड होता चला जाएगा वी आर नॉट अडेप्टेड टू लिव इन पोलर रीजन हम अडप्ट अपनी हमारी बॉडी क्या है अडेप्ट नहीं कर पाएगी इस सिचुएशन में जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडी होगी अल्टीमेटली जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो क्या होंगे वो खत्म होने लगेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ में हम लोग कहा करेंगे कि अर्थ में कभी लाइफ हुआ करती थी ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी बट इन टूडेज वर्ल्ड हम क्या कर रहे हैं यू नो दैट प्लांट ऑक्सीजन ओके प्लांट क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और वो ऑक्सीजन रिलीज करती है बट नाउ एट इज जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ठीक है जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है लोग क्या कर रहे हैं अपने सेटलमेंट्स बिल्ड करने के लिए घर बनाने के लिए एग्रीकल्चर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं पेड़ों को काट रहे हैं अब पेड़ों को काट रहे हैं तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है हम रेस्पिरेशन करते हैं हम सांस लेते हैं वी ब्रीद इन ऑक्सीजन वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या होगी इस कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमोस्फेयर में बढ़ती चली जाएगी अब इसे ऑब्जर्व करने वाले पेड़ नहीं है तो ये काम ये ज्यादा से ज्यादा हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होंगी और ये क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा हीट ऑब्जर्व करेंगे दिस विल लेट टू ग्लोबल वार्मिंग इससे क्या होगी ग्लोबल वार्मिंग

मैंने बताया ना एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज हार्मफुल फॉर अस किसी चीज़ की भी अगर हम एक्सेस करते हैं अगर हम फोन यूज़ कर रहे हैं देन अगर फोन को लिमिटेड वे में बैलेंसड वे में यूज़ कर रहे हैं देन इट विल नॉट हार्म अस किसी भी तरह से वो हमें हार्म नहीं करेंगे लेकिन हम दिन भर अगर फ़ोन को लेकर बैठे हैं वो हमारे हेल्थ को भी हेल्थ uh, में भी बहुत सारे इश्यूज लेकर आएंगे आएंगी और इससे क्या होगी हमारी प्रोडक्टिविटी जो है मतलब हम जो दिन भर में काम कर सकते थे उस पूरे दिन में उस फोन की वजह से वो सारे क्या हो जाते हैं हार्पर हो जाते हैं सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग एटमोस्फेयर में भी, भी बिल्कुल यही केस है अगर किसी भी गैस की एक्सेस हो जाती है ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं तो वो किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं लोगों को हार्म करते ह्यूमन पॉपुलेशन को हार्म करते हैं ओके सो दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ओके इसे ही हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ओके वेन

ओके एंड ऐसा एज्यूम किया जाता है लाइक like, uh, जो भी हमारे साइंटिस्ट या जो भी रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि अगर जिस स्पेस में जिस तरह से आज हम फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बढ़ती चली जा रही है एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर थर्टी और फोर्टी ईयर्स यहाँ पर फ्लड्स बहुत आने लगेंगे ठीक है क्यों आने लगेंगे क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हम जलाते हैं किसी भी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं लाइक पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल तो उससे गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं एंड वी आर एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हो रही है बट नोबडी इज देयर टू ऑब्जर्व क्योंकि फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं कट कर करते चले जा रहे हैं अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसे ऑब्जर्व कौन करेंगे क्योंकि तो ट्रीज की क्वांटिटी उतनी अब रही नहीं है क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन की नीड दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है ओके सो दैट दिल काउस एंड इट्स पीपल ओके अंडरस्टूड सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में अपवर्ड uh, जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड में हम जाते हैं टेम्परेचर विल राइज टेम्परेचर क्या होगा uh, the, जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड में जाते हैं टेम्परेचर विल गेट लोअर डाउन टेम्परेचर क्या होगा लो होता चला जाएगा एल्टीट्यूड से भी क्या होता है टेम्परेचर में लोअर या फिर वो क्या होते हैं कम होते चले जाते हैं मैंने एग्जांपल दिया जिस तरह से अगर हम पहाड़ चढ़ते चले जाएंगे तो वहां पर आगे जाकर क्या होगी कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगेंगी एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या हो जाएगी कोल्ड हो जाएगी सो इट इज श्योर दैट द टेम्परेचर विल गेट लो ओके ग्रेजुअली क्या होगी टेम्परेचर लो होती चली जाएगी अंडरस्टंडट क्लियर ओके वन सेकेंड Nishant, if you have any doubt, then you can ask me.